हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बीएससी थर्ड ईयर में जो इवोल्यूशंस की अपनी इवोल्यूशन वाला जो सेक्शन है उसमें बात करेंगे नेचुरल सिलेक्शन की। और नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो थ्योरी दी थी उसमें सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की होती है। और रॉबर्ट डार्विन ने जो थे उन्होंने अपना थ्योरी दिया था उस नेचुरल सिलेक्शन पे दिया था कि नेचर अपने आप से सिलेक्शन करती है। तो डार्विन साहब का जो परिचय इस प्रकार से है कि इनका जन्म 12 फरवरी 1809 में हुआ था और ये अपनी माँ बाप की पांचवी संतान थे। और इनका जो फील्ड था वो बॉटनी भी रहा है और जूलॉजी भी रहा है। और इनमें जो चार्ल्स डार्विन ने मानव समाज में जो प्राचीन अंधविश्वास अवैज्ञानिक परंपराओं से मुक्त करके वैज्ञानिक चिंतन की ओर बढ़ावा दिया। और इन्होंने जो इंग्लैंड में एक सुविख्यात परिवार में पैदा हुए और वहाँ पर एक अपना वैज्ञानिक चिंतन को बहुत ज़्यादा रूप से इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। और इनके जो शुरू में अपन देखते हैं कि इनकी जो पढ़ाई लिखाई सब एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हुई। और इन्होंने बताया कि जो नेचर है वो किस तरीके से अपने आप में ही वो सिलेक्शन करती है। तो अपन ने ये देखा कि इनकी जब जो शिक्षा हुई थी वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और क्राइस्ट कॉलेज में हुई। और वहाँ पर इनका मन नहीं लगा और अधिकांश समय ये ताश खेलने में बिताने लगे। परंतु चार्ल्स डार्विन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वनस्पति वैज्ञानिक थे प्रोफेसर स्टीवेंस हेंसल और जो भूगर्भशास्त्री जो जियोलॉजिस्ट थे वो थे सेजविक, उनके संपर्क में आए और उनकी सलाह से इन्होंने HMS बीगल नामक जो जहाज़ था उसमें 5 वर्षों तक कार्यरत रहकर डार्विन ने अटलांटिक महासागर के द्वीपों, दक्षिणी अमेरिका के समुद्री किनारों और दक्षिणी प्रशांत महासागर के गैलेपागोस द्वीप में बहुत ज़्यादा उन्होंने सर्वे किया। और वैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों का उन्होंने संकलन किया और उसके आधार पर ही उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। और जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस सिद्धांत और नियम को प्रतिपादन करने में उनका सहयोग दिया, इस यात्रा में उन्होंने अनेक बहुत सारी घटनाओं के बारे में जिक्र किया जिसमें प्राकृतिक संतुलन, विनाशकारी परिवर्तन, जीवाश्म आदि की निकटता से और उन्होंने उनको देखा, ऑब्जर्व किया, स्टडी किया। इन्हीं सबसे डार्विन के जो इवोल्यूशंस थॉट्स हैं उनसे प्रेरणा मिली और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का जन्म हुआ। इस यात्रा से लौटने के बाद 2 वर्ष के बाद इन्होंने 1938 में डार्विन का विवाह हो गया। उसके बाद कुछ वर्षों के बाद में बीमारी आ गई और इसी तरह से उन्होंने जो अपने जो स्टडी थी उसमें एक अवरुद्ध आ गया। और इन्होंने 1844 में अपनी रूपरेखा तैयार करने पर क्या था कि ये जो इनका विश्लेषण था उससे पहले 1844 में माल्थस का भी एक एन एसे ऑन पॉपुलेशन पर उन्होंने लिखा था और उसका उन्होंने स्टडी किया जो इनको इस सिद्धांत के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुआ। तो अल्फ्रेड रसेल वालेस भी इनके इसी सिद्धांत के एक सहयोगी थे और उन्होंने भी इस सिद्धांत को सही माना और जो उन्होंने भी नए नए इस सिद्धांत के आयाम दिए। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा जो इनकी बुक थी क्रांतिकारी बुक कह सकते हैं उसको वो थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फेवरेट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, यानी जातियों का प्राकृतिक वर्ण से विकास या जीवन संघर्ष में
अनुकूल नस्ल का संरक्षण। तो इस तरीके से इनके ये बुक्स हुई और इन्होंने इसमें इनके नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया। तो इनको जो डार्विन साहब थे वो डार्विन आगे चलकर ये डार्विनवाद या डार्विनिज्म के नाम से भी फेमस हुआ। तो डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, तो इसमें अपन देखते हैं कि किसी प्रारूप यानी कोई मॉडल जीवधारी की जाति में जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तन, कौन से कोई भी स्पीसीज हो उसमें पूरे जीवन कितने मॉडिफिकेशन होते हैं, उन प्राकृतिक विभिन्नताओं को दर्शाते हैं जिनसे उसे जीवन ने उसे नवीन वातावरण में अनुकूलन और संतुलन स्थापित करने में सहायता मिलती है और इन्हीं विभिन्नताओं के प्राकृतिक वर्ण से इवोल्यूशन होता है। यानी इन्होंने बताया कि कोई भी स्पीसीज में यदि कोई मॉडिफिकेशन होगा तो वह मॉडिफिकेशन जो नेचुरल वेरिएशंस को दर्शाता है और उसमें अडेप्टेशंस एक और इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। अडेप्टेशन यानी किसी की परिस्थितियां बदली, किसी का परिवेश बदला, यदि वो जीव अपने अंदर मॉडिफिकेशन नहीं करेगा तो या वहाँ पर सामंजस्य स्थापित नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम नहीं लाएगा, तो उनका इवोल्यूशन नहीं होगा, वो लुप्त हो जाएगा। और यदि वह मॉडिफिकेशन करके और अडेप्टेशन और इक्विलिब्रियम स्थापित कर देगा, उन जो वेरिएशंस हैं उनको अपना लेगा या अपने अंदर वेरिएशन ला देगा उस अनुकूल के प्रति, तो वहाँ पर वो जीव सर्वाइव करने में आसानी रहेगी। तो नेचुरल सिलेक्शन जो सिद्धांत था, थ्योरी थी, इसकी मुख्य जो एस्पेक्ट्स थे, जो इनकी अवधारणाएँ थी, को इस प्रकार से अपन बता सकते हैं। पहला है ओवर रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोडिगेटिव, यानी ओवर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि कोई भी जीव यानी अपने आप में अधिक से अधिक जनसंख्या पैदा करता है। तो यानी कि कोई भी जीव है वो अधिक से अधिक अपना जो पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो डार्विन वालेस ने भी देखा कि सभी जो बायोटा है, जीवधारी हैं, में वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक रिप्रोडक्शन की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरे शब्दों में हम जीवधारियों में अपनी जनसंख्या को अधिक से अधिक बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, ये भी कह सकते हैं। अर्थात जंतुओं का रिप्रोडक्शन इतना अधिक होता है कि सभी उत्पन्न अंडों और शिशुओं जो चाइल्ड होते हैं उनके, यदि उनका जीवन यानी सब के सब जीवित नहीं रह पाते, इससे अपार जनसंख्या वृद्धि का जियोमेट्रिक रेशो भी कह सकते हैं। यानी सभी यदि जीवित रह गए तो आप कल्पना कर सकते हो कि इस प्रकृति का क्या पिक्चर बनेगा, क्या तस्वीर बन के सामने आएगी। इसमें अपन एक एग्जांपल ले सकते हैं। अपन देखते हैं कि मोलस्का वर्ग का जो ऑयस्टर नामक जंतु है अपना, वो लगभग 6 करोड़ अंडे देता है। यदि एक जोड़े के सभी अंडे विकसित हो जाएं, यदि सभी अंडे विकसित हो जाएं और इन सब अंडों के हैचिंग से जो संतति भी बिना किसी हानि के मैच्योर ऑयस्टर बन जाएं, तो इन सब के जो ऑयस्टर के जो खोल होते हैं, स्टॉल्स होती हैं, उनका भार पृथ्वी से 8 गुना अधिक हो जाएगा। इसी प्रकार हेग्जले के अनुसार यदि एक ग्रीन फ्लाई होती है, उसके सभी अंडे बिना किसी नुकसान के पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तब उनकी संख्या चीन की जनसंख्या से कहीं अधिक होगी। और फिश के एग देने की क्षमता अति विशाल है। यहाँ हेरिंग फिश यदि एक बार में जो एग देती है वो देती है 20,000, कॉड होती है वो 60 लाख, टर्बोट होती है वो 90 लाख, और जो लिंग फिश होती है वो 2,80,00,000 एग देती है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि ये सारे के सारे अंडे यानी पूर्ण जंतु में बदल जाएं, तो वहाँ पर क्या तस्वीर होगी। इस विषय पर और अधिक आंकड़े प्रस्तुत करने हेतु डार्विन ने बताया
कि हाथी विश्व का सबसे कम रिप्रोडक्शन करने वाला एनिमल है। एलिफेंट का एक पेड़ लगभग 30 ईयर्स की एज में रिप्रोडक्शन प्रारंभ करता है और 100 ईयर्स तक की एज तक वो 6 बच्चों को जन्म देता है। यदि हाथी के एक जोड़े से उत्पन्न सभी बच्चे और उनके बच्चों के बच्चे लगातार प्रजनन करते जाएं, तो हम देखेंगे कि सभी पूर्ण अवस्था प्राप्त करें, तो लगभग 750 वर्ष बाद एक जोड़े से समस्त संततियों की अंतिम संख्या 1 करोड़ 90 लाख होगी। यानी कि 1 करोड़ 750 सालों में 1 करोड़ 90 लाख एलिफेंट ही एलिफेंट हो जाएंगे, यदि सब के सब अपना रिप्रोडक्शन का बरकरार रखते हैं। इसी तरह से हम जो सालमन फिश की बात करते हैं, और सालमन फिश में देखते हैं कि एक जो ऋतु होती है उसके अंदर वो करोड़ों की संख्या में वो अंडे देती है, और उनकी जो फिश होती है वो, यदि इसी तरह से अपन देखते हैं कि उनका जो एवरेज होता है एग का, वो होता है 191 × 10^18। इतने ज़्यादा वो संतति प्रति सीजन में पैदा करती है। वुडरूफ के अनुसार जो पैरामीशियम होते हैं वो 48 घंटे में 3 बार रिप्रोडक्शन करता है। यदि उनमें डिवीजन की यह दर जारी रही, तो एक समय ऐसा आ सकता है जब उनके साइटोप्लाज्म का आयतन पृथ्वी के वॉल्यूम से अधिक हो जाएगा। तो इस तरह से स्पष्ट है कि सभी जंतुओं में अधिक प्रजनन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु सभी एनिमल्स के सारे जो एग हैं उनके जो बच्चे हैं वो पूर्ण तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। इनमें से कुछ एग प्राइमरी स्टेज में ही नष्ट हो जाते हैं, तो कुछ लार्वा या एम्ब्रियो बनते बनते नष्ट हो जाते हैं। अंत में मात्र कुछ ही एडल्ट में चेंज हो पाते हैं या उस स्टेज को प्राप्त करते हैं। अगली जनरेशन में और वो आगे चलकर अगली जनरेशन में वो रिप्रोडक्शन करने में सफल हो पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अत्यधिक रिप्रोडक्शन होने पर भी पॉपुलेशन लगभग स्थिर रहती है, तो डार्विन ने उन नेचुरल फैक्टर्स या रीजंस जिनसे पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम बना रहता है को स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस यानी जीवन के लिए संघर्ष या जनसंख्या बढ़ोतरी की रुकावट बताया, और इन्होंने इस तरह से इस सिद्धांत को प्रतिपादित